और लाहौर वाहगा के दरमियान शटल ट्रेन की 33 साल बाद 14 दिसंबर से बहाली का ऐलान। वजीर रेलवे शेख रशीद लाहौर स्टेशन पर शटल ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इकोनॉमी क्लास की दो बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 176 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। लाहौर और वाहगा स्टेशन के दरमियान शटल ट्रेन 33 साल बाद 14 दिसंबर से बहाल की जा रही है। तर्जुमान रेलवे के ऐलान के मुताबिक लाहौर और वाहगा स्टेशन के दरमियान शटल ट्रेन 33 साल बाद 14 दिसंबर से बहाल हो जाएगी, जिसका वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद लाहौर स्टेशन पर ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ट्रेन इकोनॉमी क्लास की दो कोचेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि शटल ट्रेन में 176 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। पहली शटल ट्रेन लाहौर से सुबह 6:15 बजे चलेगी और दूसरी शटल ट्रेन दोपहर 4:15 बजे वाहगा स्टेशन के लिए रवाना होगी। लाहौर और वाहगा स्टेशन के दरमियान चलने वाली शटल ट्रेन मुसाफिरों की कमी के बाइस 1986 में बंद कर दी गयी।